Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I will show you how to solve app not install problem. दोस्तों इस फोन में APK फाइल इंस्टॉल नहीं हो रहा है। जब इंस्टॉल करने जाते हैं ऐप नॉट इंस्टॉल एरर दिखाता है। प्ले स्टोर से भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं इस वीडियो में कुछ सेटिंग्स दिखाऊंगा, अगर आप ठीक ठाक फॉलो करेंगे तो आपका भी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। नंबर वन, APK फाइल। मान लीजिए कि जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन पर पहले से इंस्टॉल है और आप उस एप्लीकेशन का पुराना वर्सन या मॉड APK फाइल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। पहले आपके फ़ोन में उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना होगा, फिर आप उसका APK फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं। जहाँ से APK फाइल इंस्टॉल करेंगे उसका अननोन ऐप परमिशन ऑन करना होगा। मान लीजिए कि आप फाइल मैनेजर से APK फाइल को इंस्टॉल करना चाहते हैं। उस APK फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद एक सिक्योरिटी पॉपअप आएगा, फिर सेटिंग्स में जाके इसका परमिशन ऑन करना होगा। अगर आप क्रोम ब्राउजर से कर रहा है तो उसका भी परमिशन इस तरीके से ऑन करना होगा। दोस्तों 10 सेकंड का टाइमर खत्म होते ही यहाँ टिक लगा के ओके करना है। इसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करते ही APK फाइल इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद जहाँ से आपने इंस्टॉल किया है उसका अननोन ऐप परमिशन ऑफ कर दीजिए, नहीं तो मैलवेयर या कोई दूसरा हार्मफुल सॉफ्टवेयर आपका फोन डैमेज कर सकता है। इस फंक्शन को ऑफ करने के लिए फोन की सेटिंग्स में जाइए। इसके बाद सर्च बार पे फाइंड करना है अननोन, फिर इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते ही स्पेशल परमिशन सेटिंग्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद इंस्टॉल अननोन ऐप्स में जाके फाइल मैनेजर का परमिशन डिसेबल कर दीजिए। नंबर टू, प्ले स्टोर। दोस्तों अगर प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। उसके बाद फ़ोन स्टोरेज चेक करना होगा। सेटिंग्स ओपन करके अबाउट फोन में जाइए, फिर स्टोरेज पर क्लिक करके यहाँ से इंटरनल स्टोरेज देख सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज भर गया है तो कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा, तो पहले अब अपने फ़ोन से फोटो या वीडियो वगैरह डिलीट करके स्टोरेज खाली कीजिए, फिर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका इंटरनल स्टोरेज खाली है और अभी भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्ग प्रेस कीजिए, फिर आपके सामने ऐप इन्फो का पॉपअप आएगा। इस पर क्लिक करते ही ऐप सेटिंग्स खुल जाएगा। इसके बाद क्लियर डेटा पे क्लिक करके प्ले स्टोर का ऑल डेटा डिलीट कर दीजिए। अगर प्ले स्टोर में कोई समस्या है तो उसका डेटा क्लियर करने से वो ठीक हो जाएगा। डेटा क्लियर करने के बाद साइड में दी गई पावर ऑन दबा के अपना फ़ोन रिबूट कर लीजिए। रिबूट मतलब फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके वापस ऑन कर लेना है, फिर आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और आप प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था, तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।